क्विक गणित में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम लोग 23 सितंबर में जो क्विज कॉन्टेस्ट हुआ था उसका फर्स्ट क्विज कॉन्टेस्ट जो हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन था ABCA-BCAAB-CA-BBC-A। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो बी था, ABAC, ये वाला ऑप्शन था करेक्ट, ABAC। क्यों? क्योंकि AB और AC डालने से एक चेन फॉर्म होता है, बाकी कोई भी पैटर्न डालने से कोई भी चेन फॉर्म नहीं होता है। बी जो है ABAC, इससे कैसे चेन फॉर्म होता है इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे है ABC, उसके बाद देखिए AABC, फिर AABB, फिर CAAB, फिर BCCA, मतलब एक पैटर्न सा आगे चल रहा है, एक चेन, बाकी किसी में नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फिर से एक बार देखिए, ABC एक ग्रुप हो गया, फिर AABC, AABB, AACB, ठीक है, फिर CCBA, ठीक है, ये पैटर्न। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 5, 26, 9, 4, 8, 15, 3, 9, 25, 7, 9, 22, 7, 8 and 1। इसमें ध्यान से देखिए, 5 + 6 = 11, 11 + 9 = 20 यहाँ पे है, 4 + 8 = 12, 12 + 3 = 15 यहाँ पे है, 9 + 7 = 16, 16 + 9 = 25 यहाँ पे है, 7 + 8 = 15, 15 में क्या ऐड करे कि 22 हो जाएगा, तो 7, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का ए करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू।